शमा, आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके की दिवाली किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रही है साल? दिवाली यार, मेरे लिए दिवाली बहुत ही प्यारा त्यौहार है क्योंकि मुझे लाइट्स बहुत पसंद है और दिवाली के मौके पर सब लाइट लगाते हैं अपने अपने घरों में. सो मुंबई पूरा एक दुल्हन की तरह दिखता है. सो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है और फूल वगैरह से मुझे बहुत प्यार है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल और सबसे ज़्यादा कि इतने सारे लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यू नो सजते संवरते हैं और इंडियन पहनने को अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं एंड अब अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा टाइम सेलिब्रेट करने को मिलता है. सो इट्स फन. इट्स दिवाली फॉर मी इट्स लव, लाफ्टर, लाइट, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस. सो ये टाइम कुछ ऐसा स्पेशल प्लानिंग या कुछ ऐसा किया है यार? बस स्पेशल प्लानिंग किया है, चले जाएंगे दोस्तों के घर पर और क्या. मेरे दोस्त यहाँ आ जाएंगे, यू नो जस्ट सबके सारे दोस्तों के घरों पर कोई ना कोई गेट टुगेदर हो रहा है. सो आई थिंक वी जस्ट सेलिब्रेट. यू नो शमा, जैसे हम जानते हैं कि दिवाली इज ऑल्सो लाइक कहा जाता है कि प्लेइंग कार्ड्स की ये कथा होती है, तो लाइक आप इस चीज़ में मुझे बिल्कुल नहीं आता कार्ड्स खेलना. मैं बहुत ही बुरी हूँ, मतलब इतनी बुरी हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती आपको. और मैंने ऐसा नहीं, बहुत बार ट्राई किया मैंने सीखने का लेकिन मुझे ज़रा भी मतलब मेरे दिमाग में बैठता ही नहीं है. इट गोज एवरीथिंग फ्रॉम टॉप. तो आई एम वेरी बैड एट प्लेइंग कार्ड्स बट आई एम वेरी गुड एट लाफिंग and I'm very good at enjoying and I'm very good at eating, so I do that. So this time what are you eating? की बात की तो दिवाली में अलग अलग तरह के स्वीट्स बनाए जी, तो आपका फेवरेट स्वीट्स कौन सा? अरे यार, मुझे तो सब स्वीट्स पसंद है. आप मीठा कुछ भी खिला दीजिए मुझे. बंगाली मिठाई बहुत पसंद है, जैसे रसमलाई, रबड़ी मेरा फेवरेट है, या केसर पेड़ा हुआ मुझे बहुत पसंद है, मावा बर्फी. वाह, लोग बोलेंगे क्या बातें हो रही हैं. ऐसी कोई रेसिपी जो आप खुद बनाती हैं और आपका सिग्नेचर का? नहीं यार, मैं कुछ नहीं बनाती, मैं किचन में जाती ही नहीं हूँ. मैं किचन को दूर से बाय बाय करती हूँ. आई डोंट थिंक कि मुझे कोई डिज़र्ट बनाना आता है, बट जब मैं बनाने जाती हूँ तो मैं बहुत हेल्दी वेल्दी उस पर चले जाती हूँ, तो इस बेटर कि मैं बना बनाए खा लूँ. अच्छा शमा, जब आप चूंकि आप एक ग्लैमर वर्ल्ड में है तो थोड़ा सा फिटनेस को मेंटेन करना पड़ता है, तो उसमें मतलब डू यू समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है विद योर स्वीट एंड डिशेस? अरे बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है यार. हाउ डू यू कंपनसेट इन दिवाली या फिर वो जो एक डाइट वहाँ भी चालू है? नहीं तो क्या होता है ना कि मैं दिवाली या ऐसे कोई भी फेस्टिवल्स आने वाले होते हैं जहाँ मुझे लगता है कि अब बहुत खाएंगे हम और खाना चाहिए, तो मैं उसके दो हफ्ते पहले एक स्पेशल डाइट मील प्लान करती हूँ जिसमें मेरा कार्डियो लेवल यू नो हाई हो जाता है और थोड़े कार्ब्स कम हो जाते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें खाने पीने पे कंट्रोल करनी पड़ती हैं. सो मैं उस एक हफ्ते तक अच्छे से खा सकूँ और वो खाने के बाद भी मुझे कोई तकलीफ ना हो बॉडी में, ऑब्वियसली. बट या आई एम क्वाइट कॉन्शियस अबाउट व्हाट आई ईट, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब चखने के बराबर खाती हूँ, बट खाती ज़रूर हूँ, मुझे बहुत शौक है खाने का. या शमा, कोई बचपन की कोई याद है आपकी दिवाली से जुड़ी हुई, या अब जैसे कि अब आप एक आर्टिस्ट एक सेलिब्रिटी हो गए हैं तो बचपन में जैसे दिवाली सेलिब्रेट करते थे वैसे कोई बचपन की याद या कोई लम्हा जो आप शेयर करना चाहिए? मुझे याद है कि कैसे हम सब मिलके पूरी फैमिली, वी आर मुस्लिम्स यू नो, बट मेरी पूरी फैमिली को दिवाली सेलिब्रेट करने का इतना शौक है. I have had all Hindu friends जिनके घर में जाती थी बचपन से और हम लोग इतना वो जो प्यार होता था ना, वो जो आजकल बहुत मैं देख रही हूँ लोग ये सारे जात पात पे रिलीजन पे इतने लड़ाई फसाद कर रहे हैं, बट वो उस वक्त यार मैंने कभी देखा ही नहीं अपने बचपन में. वी वर लाइक वन, हम ईद वो हमारे घर पे बनाते थे. इनफैक्ट हमारी फ्रेटर्निटी में तो आज भी ऐसे ही होता है, ईद मनाने के लिए मेरे सारे हिंदू क्रिश्चियन दोस्त आते हैं और हम सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं. तो मुझे जो बचपन की याद अगर आप बोलेंगे तो वही याद है कि कितने प्रेम से हम सब सारे रिलीजन वाले मिलकर एक त्यौहार जो कि एक दूसरे को जोड़ता है, जिसका सही त्यौहार का मतलब ये है कि एक दूसरे से जुड़ना, वो हम जो करते थे वो मुझे बहुत पसंद था. और मुझे आज लगता है कि थोड़ा कहीं वो दुनिया के दूसरे कोने में कम हो गया है. वी आर्टिस्ट, आई एम लकी कि हमारी लाइन में ये इतना ज़्यादा नहीं होता है,
बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया के कई हिस्सों में आजकल ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो आई फील सॉरी फॉर दैट। अब जबकि मतलब एक बैन ऑन क्रैकर्स का भी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी चल रहा है, कुछ सरकारों ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया है, व्हाट डू यू लाइक टू से टू द योर व्यूअर्स एंड फैंस इस बारे में? आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक ये तो सालों पहले कर देना चाहिए था, बिकॉज मैं लास्ट ईयर मेरी फिल्म की शूट कर रही थी जब दिल्ली में सारा फॉग हुआ था। बिलीव करिए, मेरे लिए ब्रीथ करना इतना मुश्किल था मैं बता ही नहीं सकती। आई वॉज शूटिंग इन लखनऊ और वहाँ पर दिल्ली का वो पूरा फॉग आया हुआ था। जो लोग दिल्ली में रहते थे उनका क्या हाल हुआ होगा, मतलब मैं आई फेल सिक। मुझे इतने डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा वहाँ पर, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, उन्होंने मुझे स्पेशल मास्क दिया पहनने के लिए कि आप ये पहन के चलिए। एक त्यौहार है, उसका मतलब है सेलिब्रेट करना, लेकिन उस सेलिब्रेशन से किसी इंसान को नुकसान पहुँचे फिर वो सेलिब्रेशन कहाँ रहा? हम एक दूसरे की स्पीशीज़ को खुद ही नुकसान पहुँचा रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। यू नो, सेलिब्रेट करिए उसे, दियों से सेलिब्रेट करिए, लाइट से सेलिब्रेट करिए, ऐसी चीज़ें जो आपको कम से कम नुकसान ना पहुँचाए। आप ये नहीं समझिए कि वो धुआं सिर्फ दूसरों के उस अंदर जाएगा, इट विल गो इनसाइड यू आल्सो एंड इट विल स्पॉइल द होल यूनिवर्स। तो आई थिंक हमें एज एन इंडिविजुअल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द गवर्नमेंट फॉर डूइंग दैट। आई फुली सपोर्ट दैट, एब्सोल्युटली। ओके सर, जाते जाते लास्ट दिवाली विशेस। आप इतने सैड क्यों हो गए यार? मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी लाइट, असल ज़िंदगी में असली लाइट जो अंदर होती है वो भरी रहे। इस दिवाली आप सब कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस से और लाइट से भरे रहें और आपकी ज़िंदगी बहुत 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 खुशहाल रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत ढेर सारी खुशियाँ, बहुत सारा धन दौलत, हेल्थ वेल्थ एंड एवरीथिंग दे। मेरी तरफ से, मेरे तहे दिल से आप सबके लिए दुआएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।